राजस्थान में उपचुनाव हैं 5 विधानसभा सीटों पर, तो क्या लगता है कि बीजेपी की जैसे अभी सरकार है तो क्या 5ों सीट जीत पाएगी बीजेपी, या फिर उससे वापस से हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, जो कार्यकर्ताओं का मिजाज है और जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जैसे मैंने कहा, तो कई बार जनता भी आत्मविश्लेषण करती है कि उनका लाभ किस तरफ है, उनको जनहित किस तरफ ज़्यादा मिल सकता है, सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके की सहूलियतें कहाँ मिल सकती हैं। तो एक कारक होगा जिसमें स्वाभाविक तौर पर यही माना जाता है कि जो उपचुनाव है सत्ता के पक्ष में जाता है। बीजेपी 5ों चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी और बीजेपी जीतने के लिए सक्षम भी है, पर क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं ज़्यादा कंसर्न हरियाणा से हूँ, इसलिए यहाँ की इकाई उसका निर्णय करेगी। उम्मीदवारों का चयन यदि ठीक होता है, प्रबंधन ठीक होता है, तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सक्षम जरूर है। आपको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या राजस्थान में भी कोई आपको उम्मीद है कि कुछ पद मिलेगा राजस्थान में? देखिए, पद का फैसला हम नहीं करते हैं, पार्टी तय करती है। पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक जो भूमिका देती है, उसमें सामान्य काम से लेकर बड़े काम तक देती है, हम स्वीकार करते हैं। और इसलिए पार्टी राजस्थान में क्या भूमिका देगी, देश में क्या देगी, वो तो पार्टी को तय करना है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करना पसंद करता हूँ और बिना किसी महत्वाकांक्षा के। तो मुझे लगता है कि मेरा अपना परिश्रम, योग्यता, क्षमता जिस हिसाब से है, पार्टी जो उचित समझेगी मुझे अवसर देगी। देखिए, राजस्थान मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि है जी, और मुझे हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, तो मैं प्रथमतया तो हरियाणा के लिए जिम्मेवार हूँ। चुनाव तक जो भी मेरा योग्य समय लगेगा हरियाणा में लगेगा, लेकिन कभी भी आदमी जड़ों से दूर होता नहीं है। यहाँ की इकाई, राज्य की इकाई जो मेरे लायक जो भूमिका सोचेगी, जो कहेगी, उसके हिसाब से काम करता रहूँगा। बाकी मेरा अपना व्यक्तिगत जो सामाजिक व्यवहार है, राजनीतिक तौर पर जो मेरे अपने क्षेत्र के और बाकी जो लोग हैं, उनको जो मैं जितनी योग्य मदद कर पाऊँगा करूँगा, लेकिन अभी प्राथमिकता हरियाणा है। तो सर, ये 5 चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्योंकि बीजेपी को पहले भी नहीं थी सीटें, या फिर चुनाव आ गए, तो क्या लगता है आपको? आमतौर पर ये कहा जाता है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूंसी का मिजाज कुछ भी हो, लेकिन उपचुनाव की जो संभावनाएं सत्ता पक्ष के पक्ष में ज़्यादा दिखती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की इकाई, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मिलकर योग्य उम्मीदवारों का चयन भी करेंगे और एक अच्छे प्रचार और प्रबंधन से कांग्रेस में जो बिखराव अंदरूनी तौर पर है वो आज भी बरकरार है। पिछले कुछ कम समय में जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने काम किया है, मोदी जी की सरकार ने जो लोगों के लिए काम किया है, और पिछले चुनाव में लोकसभा में जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी वो बेनकाब होगी। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को यहाँ, मुझे लगता है, ठीक ठाक बढ़त मिलेगी। देखिए, वो तो पार्टी जहाँ जैसा आदेश देती है, समय समय पर भूमिकाएं बदलती है, हमारा फर्ज है कि हम उनको निर्वहन करें। ये बात ठीक है कि पार्टी ने मुझे अवसर दिया और मैंने पिछले 3.5 वर्षों में जो मैं मेरे तरीके से कर सकता था, परिश्रम कर सकता था ईमानदारी से, मुझे संतोष है कि हमारी मेहनत के कारण राजस्थान में सरकार आई। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था और कार्यकर्ताओं ने बहुत मिशन बनाकर काम किया। मेरे लिए तो यही पर्याप्त पुरस्कार है कि हमने जो मेहनत की वो सफल हुई, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे पार्टी से कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि पार्टी मुझे समय समय पर मान सम्मान देती है और जो सम्मान देती है उसके हिसाब से मैं काम भी करता हूँ। बाकी यहाँ के बारे में संगठन हमारा नीचे तक ज़मीनी तौर पर दुरुस्त भी है, और जो मैंने कहा कि दूसरी पार्टियों से हम अलग भी हैं, हमारी अपनी विशेषताएं और वही हमें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो आगे अच्छा ही होगा जी। पहली बात तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है और उनको अवसर भी देती है। मान लो मुझे यहाँ अध्यक्ष बनाया तो पार्टी ने सम्मान ही किया, किसानों का किया, मेरा किया, परिवार का किया। दूसरी बात, 14-19 का जो चुनाव था मोदी जी का, उसमें जातियों का मिथक टूटा और देश के मुद्दों पर सभी जातियों ने बीजेपी को वोट दिया। अलग अलग प्रदेशों की स्थानीय जो राजनीतिक समीकरण होते हैं अलग अलग होते हैं, उसमें कई बार किसी वर्ग का कम मिलता है, किसी का ज़्यादा मिलता है, पर बीजेपी को एक विशेषता हासिल है कि उसको सब वर्गों का वोट मिलता है। तो हरियाणा की स्थिति जो लोकसभा में हुई, उसमें मुझे लगता है कुछ नैरेटिव्स थे
जो कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया गया संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसमें उस नैरेटिव में कांग्रेस सफल हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो महीना दो महीना निकला है, इसमें कांग्रेस की हकीकत लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी सामने आ गई। तो कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान समाज हो, चाहे हमारा वंचित समुदाय हो, उनको कांग्रेस की हकीकत पता लग गई। और इसलिए हरियाणा का जो जनमानस है, मुझे पूरा भरोसा है कि एक स्थायी सरकार के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, क्योंकि हरियाणा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ था वो बंसीलाल जी के बाद आज लोगों में दिखता है। सामान्य लोगों तक भी बैंक के खाते से लेकर, शौचालय से लेकर, आवास तक, जल जीवन से लेकर, ये तमाम बातें थी जिसने हरियाणा के आवाम का जीवन बदला। तो मुझे लगता है कि जो हरियाणा में करप्शन की चर्चा कई बार होती थी, सड़कों पर होती थी, हरियाणा को एक पारदर्शी सरकार देने का काम बीजेपी ने किया, उसका भी लाभ होगा। पर मुझे लगता है कि बीजेपी सभी समूह की पार्टी, सभी वर्गों की पार्टी, और बीजेपी को नेशनल एजेंडे पे और विकास के एजेंडे पर हर कौम वोट देगी, हरियाणा में भी देगी, ये मेरा भरोसा है। देखिए, कुछ चीज़ें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सरकार के दौरान, कई बार ऐसी चीज़ें होती जिसमें संशोधन की गुंजाइश रहती है, उसमें कुछ जैसे ई टेंडर का मसला था तो 20 लाख तक के लिए सरपंचों को अधिकृत किया है, जो प्रॉपर्टी आईडी थी उसके बारे में सरकार विचार कर रही है, ओबीसी को और ज़्यादा रिलीफ कैसे दें उस पर विचार कर रही। तो कुल मिलाकर जो इस तरीके के मसले थे जो जनता के बीच में चर्चित थे, उन पर सरकार ने तत्परता से काम शुरू किया है। कई बार किन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन पर पनपते भी हैं, उपजते भी हैं, और कई बार कुछ घटनाएँ होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने सीखा भी है, कुछ चीज़ों को ठीक भी किया, और भविष्य में भी उनको और ज़्यादा ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ठीक करेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, वो चाहे कोई कौम का हो। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी है, समग्रता के साथ काम करती है, जाति पंथ और मजहब से ऊपर उठकर काम करती है, और इसलिए यही खूबी है। राजनीतिक तौर पर कई बार लगता है, क्योंकि जब हमारी सत्ताएँ आती हैं तो ऐसा होता नहीं, बिल्कुल स्मूथ रोड होती है, उसमें बैरियर भी आते हैं। कुछ लोगों ने जानबूझकर बीजेपी के स्थायित्व को देखकर वहाँ कई चीज़ें लोगों में पैदा करने की कोशिश की, राजनीतिक तौर पर इस तरीके के मूवमेंट किए, लेकिन मुझे लगता है कि जनता अब समझ चुकी है, उनको शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उनको विकास चाहिए, और इस नाम पर मुझे लगता है कि सभी लोग बीजेपी के साथ रहें। आपने बात की शांति सुरक्षा की, लेकिन अभी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा क्राइम रेशियो में नंबर वन स्टेट रहा है बिहार के बाद में, तो क्राइम रेशियो अभी घटानी है, उधर युवा सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो युवा वर्ग के लिए बीजेपी की जो 5 साल सरकार चली है उसने एक भी स्थायी नौकरियां नहीं दी, सब संविदा पे नौकरियां लगी, इसको लेकर आप कैसे देखेंगे कि कैसे इसका शॉर्ट आउट हो? अभी मुख्यमंत्री जी से और कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत हुई है, तो हरियाणा में युवाओं के रोजगार के लिए सरकार कुछ अच्छे फैसले लेने जा रही है, जो भविष्य गर्भ में मुझे लगता है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ही करेंगे तो बेहतर होगा, वही करेंगे। जो दूसरा जो नाराज़गी की बात है, जो मैंने कहा कुछ इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका एक मन में तकलीफ भी होती है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है और आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी कोशिश सरकार की रहेगी। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है, देखा, सुना और समझा है, बीजेपी पहले कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, छोटा समूह था, कम नेता थे, कम वोट थे। हम यदि आगे बढ़े तो लोगों के जुड़ने से बढ़े, हमारे साथ जनता दल से लोग आए, लोकदल से लोग आए, कांग्रेस पार्टी से आए, दूसरे विचारों से आए, और बीजेपी विचारों का महासमुद्र उससे साथ जुड़े, उसके कारण हमारी ताकत बढ़ी और हम लोग सत्ता में आए। इसलिए हमने अलग अलग समय पर जिन जिन लोगों ने बीजेपी के साथ जुड़ने की उत्कंठा की थी उनको सम्मान दिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टी में समरस हो गए, उनकी पृष्ठभूमि लोग भूल गए, तो ये हमारे साथ ताकत बनकर काम करते हैं। लेकिन हम फैसला मेरिट पर ही करते हैं कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी यदि जीतने में सक्षम है और उसकी लोकप्रियता है, हम उसको अवसर देते हैं। पार्टी का कोई कैडर का वर्कर कहीं सक्षम है, हम पहले प्राथमिकता उसको देते हैं। तो कुल मिलाकर एक संतुलन हम लोग रखते हैं। इस लिहाज से कुछ लोग जुड़े हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान जुड़े, कुछ लोकसभा के बाद में जुड़े, और अभी जैसे आपका प्रश्न था, काफ़ी लोग हैं जो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार है, हरियाणा में
हमारी तीसरी बार सरकार की संभावना है, तो उसके मद्देनज़र बहुत सारे राजनीतिक लोगों की इच्छा है कि बीजेपी के साथ जुड़ के काम करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भविष्य में जिसका खुलासा होगा, लेकिन लोग जुड़ेंगे जरूर। मुझे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो 30 जून को पंचकूला में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा है कि हम अपने बूते पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये बात स्पष्ट होगी कि हम कोई अलायंस चुनाव से पहले नहीं करेंगे। दूसरा, जो 14 और 19 का चुनाव था लोकसभा में, अच्छा मैंडेट मिला, ये बात सही है कि पिछले विधानसभा में हमें अपेक्षित उस तरीके की सीटें बहुमत के लिए नहीं मिली और हमें जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। एक इंडिकेशन तो ये है कि जिसमें इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा के हराने के लिए ये कहा गया कि बीजेपी की 0 सीट आएगी, बीजेपी की 2 सीटें आएंगी, बावजूद उसके हमने कांग्रेस के उस दावे को निर्मूल किया, उसको दावे को हमने खत्म किया और हमारी आधी सीटें आई। ये इस बात का संकेत है, विधानसभा के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें 45 सीटों पर लीड है, कांग्रेस को 42 सीटों पर लीड है। यानी ऐसे माहौल के बावजूद भी हम कांग्रेस को थामने पर मजबूर हो गए, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का राजनीतिक परिवेश अभी है, हमें दो चीज़ें करनी है, एक ठीक से उम्मीदवारों का चयन हो जाए और दूसरा हमारा प्रबंधन और प्रचार प्रसार ठीक हो। हम दूसरे दलों से आज भी आगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारी परिस्थितियां हमारे हक में, और तीसरी बार मजबूती से सरकार बनाएंगे।